हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दिस इज कुणाल हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप कश्मीर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो, कश्मीर जाने वाले हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, पिछले दो वीडियो से मैंने आपको बताया कि कश्मीर में अभी कैसा माहौल चल रहा है, टूरिज्म को लेकर क्या सीन है वहाँ पे, कितने टूरिस्ट कश्मीर रिसीव कर रहा है हर दिन। मैंने आपको वीडियोस भी दिखाया था, गुलमर्ग के वीडियोस मैंने आपको दिखाया था, उन वीडियोस को मैंने अभी 7 से 8 दिन पहले डाला था। उसके बाद मैं रेगुलर टच में रहा हूँ वहाँ के लोगों से, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट्स है, दोस्त ही जैसे हैं सब, तो जिनके थ्रू हमने ट्रिप किया था कभी, उनके साथ मैं हमेशा से कॉन्टेक्ट्स में रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को हमेशा सही अपडेट दे सकूँ। अराउंड 7 लोगों को जो वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने निशाना बनाया था, उसमें से कुछ माइग्रेंट थे, नॉन कश्मीरी थे, और कुछ कश्मीरी पंडित थे दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल में कल और परसों कुछ और लोगों को उन्होंने मार दिया है, उनमें से कुछ बिहार से थे जो यहाँ आकर अपना पेट पाल रहे थे। तो ऐसा भी पता लगा कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित अपने अपने गाँव छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगह अपनी सेफ्टी के लिए। तो इन सब इंसिडेंट्स को देखते हुए बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं, सबका यही पूछना है कि हमें अभी कश्मीर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या हमें अभी अपना ट्रिप कैंसिल करा देना चाहिए, प्लीज आप हमें अपडेट दो कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि ऑल्दो जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ और लोगों को मार दिया, बट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने हाल में ही एक ताजा एनकाउंटर किया जिसमें लश्कर का एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है, और कुछ और एनकाउंटर्स भी हाल फिलहाल में अभी किए गए हैं जिसमें और भी टेररिस्ट मारे गए हैं दोस्तों। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी पॉसिबल स्टेप्स है वो उठा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं कि कश्मीर पहले जैसा, जैसे 2 महीने पहले था, वैसा हो जाएगा दोस्तों। कल ही मेरी बात हुई गुलमर्ग और श्रीनगर में, उन्होंने बहुत ही अच्छे अपडेट्स दिए मुझे, बहुत ही वाइटल, बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए मुझे अभी के बारे में, कैसा वहाँ सिनेरियो है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कैसा मौसम है, वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गुलमर्ग में इस टाइम हर दिन अराउंड 5 से 10 हजार लोग आ रहे हैं दोस्तों, जबकि अभी स्नोफॉल भी नहीं हुई है, फिर भी 5 से 10 हजार लोग आ रहे हैं गुलमर्ग में। और ये उन्होंने बताया कि 1000-2000 लोग आराम से स्टे कर रहे हैं गुलमर्ग में हर दिन। तो सभी लोग तो गुलमर्ग में स्टे नहीं करते, कुछ वापस श्रीनगर चले जाते हैं, कुछ कहीं और पहलगाम चले जाते हैं, सोनमर्ग चले जाते हैं। तो 5 से 10 हजार लोग, आप समझ सकते हो कि कैसा माहौल है अभी वहां पे। जब हम गए थे तो उस समय इतने लोग नहीं आया करते थे दोस्तों, वो कोविड का समय चल रहा था स्नोफॉल से पहले, बट अभी जो है स्नोफॉल के पहले ही इतने लोग आ रहे हैं गुलमर्ग में। तो आप इसे अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि वहां कैसा माहौल है दोस्तों। मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, फोटोज भी शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ अभी क्या सीनेरियो है। फिर मेरी बात श्रीनगर में भी हुई, उन्होंने यही सेम चीज बताया कि अभी जो टूरिस्ट का फुटफॉल है बहुत ही हाई हो रहा है। तो ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को सही प्राइस में होटल्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही हाई रेट्स में उन्हें होटल्स लेना पड़ रहा है। गुलमर्ग में भी यही हालात है कि होटल्स वगैरह के लिए मारामारी चल रही है दोस्तों, और गंडोला के लिए भी बहुत ही बड़ी लाइन लग रही है। गुलमर्ग में तो ऐसा हो रहा है कि सुबह से ही लाइन लग रही है दोस्तों गंडोला में, और 12 बजे तक टिकट्स खत्म हो जा रहे हैं काउंटर पे। ऐसा बहुत बार हो रहा है अभी हाल फिलहाल में कि 12 बजे तक टिकट्स खत्म हो जा रहे हैं, और बहुत से लोगों को वापस आना पड़ रहा है बिना गंडोला किए। कि अभी परसों ही पता लगा कि एक लेडीज थी, वो लाइन में लगी हुई थी, उन्हें भी टिकट चाहिए था, तो आगे पीछे बढ़ने के चक्कर में उनके फेस पे चोट लग गया, किसी ने धक्का मार दिया तो उनके फेस से ब्लीडिंग होने लगी दोस्तों। तो ट्राई करें कि सुबह आप 11 बजे तक गुलमर्ग जरूर पहुंच जाए दोस्तों, वरना हो सकता है आपको टिकट ना मिले। आप उससे और पहले ट्राई करें पहुंचने का, वो आपके लिए सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी स्नो नहीं है, स्नो बस ऊंचाइयों पे ही है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ही आपको स्नो कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो अभी स्नो नहीं है तो यही सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है अभी, बाकी जो एक्टिविटीज वो तो हो नहीं रहे स्नो से, जो स्नो बाइक्स होता था, जो स्लेज एक्टिविटीज होती थी, वो सब तो हो नहीं रहे। तो अभी यही एक एक्टिविटी है वहां पे, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप अपने होटल से सुबह 8 बजे 8:30 बजे ही निकल जाएं अगर आप श्रीनगर में रहते हो, और आप ट्राई करो कि 10 बजे तक 9:30 बजे तक आप यहाँ आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाओ, ताकि आपको टिकट आराम से मिल जाए दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है मौसम।
मौसम अभी हाल फिलहाल में बहुत बदल चुका है कश्मीर में। बहुत जगह वहाँ हैवी रेनफॉल हो रही है दोस्तों, और मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है। इस वजह से तो मेरी बात हुई थी, कल ही बात हुई थी, उन्होंने बताया कि टेम्परेचर -5 -7 चल रहा है गुलमर्ग में। और उन्होंने बताया कि अगर ये कंटिन्यू रह गया, ये जो टेम्परेचर अगर कंटिन्यू रह गया तो जल्दी स्नोफॉल होगा दोस्तों वहां पे, और उसके बाद जो टूरिस्ट है वो और ज्यादा आएंगे कश्मीर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, मिस्टर गुलाम है वहां पे, वो टूरिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, काफी सीनियर है वहां के। तो उन्होंने बताया कि लगातार एक दिन पूरी बारिश हुई है और इस वजह से जो मौसम है बहुत ही डाउन चला गया, टेम्परेचर बहुत ही डाउन चला गया। और जब भी पहाड़ों पे दोस्तों बारिश होती है, कश्मीर में जब बारिश होती है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं स्नो आने का। आगे आजकल में क्या अपडेट आता है, हो सकता है स्नोफॉल हो जाए। अगर ऐसे ही बारिश कंटिन्यू रहेगी तो चांसेस है स्नोफॉल हो जाए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी वहां का करेंट मौसम होगा, वेदर अपडेट होगा। फिलहाल जो है स्नो वहां पे नहीं है, फेज टू में भी स्नो नहीं है, कुछ स्नो नहीं है। तो मैं ये आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपको फेज टू का टिकट नहीं मिल रहा तो आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, अभी स्नो कहीं नहीं है। जब ये बारिश और अच्छे से होगी, मौसम ठंडा होगा, तब जाकर चांसेस है कि स्नोफॉल होगा। और फिर फेज टू में होगा सबसे पहले, फिर फेज वन में होगा, उसके बाद फिर ग्राउंड लेवल पे आएगा। इस तरह से दोस्तों वहां पे स्नोफॉल ऐसे प्रोग्रेस करती है। जो पहली बार जा रहे हैं, जिन्हें नहीं पता फेज वन फेज टू, तो फेज वन का दोस्तों एक टिकट होता है, फेज टू का अलग टिकट होता है। फेज टू का जो होता है टिकट वो स्लाइटली ज्यादा होता है फेज वन से। फेज टू जो है, जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो फेज टू बंद रहता है, अदरवाइज फेज टू हमेशा चालू रहता है। तो फेज टू पे आप पैसे खर्च करके तभी जाओगे जब आपको फेज टू पे स्नो मिलेगा। अभी स्नो कहीं नहीं है, ना फेज वन पे ना फेज टू पे। तो आप ट्राई करना है कि अपने पैसे आगे के लिए सेव करके रखना, फेज वन ही घूम लो, वो भी बहुत सुंदर है। फेज टू थोड़ी और ऊंचाई पे है, बट अभी वहां भी स्नोफॉल नहीं हुई है। जैसा सीन अभी मौसम का वहां चल रहा है दोस्तों, हो सकता है कुछ दिन में हम स्नोफॉल देखें। पिछली बार नवंबर 14 को सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था, जब हम कश्मीर में थे उसी टाइम हुआ था। हालांकि जो ऊंचाइयों पे है फेज टू पे वो पहले हो चुका था, बट फेज वन पे और नीचे तरफ वो नवंबर 14 को हुआ था दोस्तों। आपको बता दें कि सबसे पहले स्नोफॉल गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूधपत्री में होती है, उसके बाद पहलगाम में होती है। तो अभी तक कोई स्नोफॉल नहीं हुआ, जो भी आगे अपडेट्स होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, पिछली बार से भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर कश्मीर जा सकते हैं। आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कश्मीर में कुछ लोगों को छोड़कर, जो गलत रास्ते पे हैं उनको छोड़कर, सब चाहते कि आप कश्मीर आओ। आप हैं तो वो लोग हैं दोस्तों। नंबर से डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो गुलाम साहब हैं वो गुलमर्ग के एक्स प्रेसिडेंट हैं, टूरिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका अपना गेस्ट हाउस है। अगर आपको सस्ते में गुलमर्ग में रहना है दोस्तों, आपको होटल्स पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि गुलमर्ग में काफी एक्सपेंसिव होटल्स रहते हैं, 6-7 हजार से वहां स्टार्टिंग होती है। आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मेरे को नहीं लगता उससे नीचे आपको मिलने वाला है। आपको ज्यादा पैसे वहां खर्च नहीं करने हैं तो आप इनके गेस्ट हाउस में रह सकते हो, आपको घर का खाना मिलेगा, कश्मीरी कल्चर का आपको एक्सपीरियंस होगा, और बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी इनकी रहती है, बहुत ही अच्छी सर्विस रहती है। मैं इनको 2 साल से जानता हूं दोस्तों, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनके गेस्ट हाउस के बारे में आप पूछ सकते हो। और श्रीनगर से आपको गुना साहब का कांटेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनके होटल्स है, हाउस बोट्स है, ये ट्रिप्स अरेंज करते हैं। आपको लेह लद्दाख जाना है, कारगिल जाना है, कहीं भी जाना हो कश्मीर में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बात का आप ध्यान रखिए, कश्मीर में आपको ट्रिप्स कराने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग ट्रिप्स अरेंज करते हैं, बट वहां पे सबसे जरूरी बात है कि एक ऑनेस्ट ड्राइवर होना चाहिए आपके साथ, जो आपको कमीशन बेसिस पे इधर उधर रोके ना, आपको 5,000 का एक्टिविटी 10,000 में ना करवाए, कमीशन बेस काम ना करे, दलाली ना करे। ये सब बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता दोस्तों। कभी कभी ये होता है कि वो कैब जो है पर डे का कम आपसे ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो कम पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो हर जगह एक्टिविटीज के नाम पे आपसे 2 गुना पैसे खर्चा करवा देते हैं, आपकी जेब ढीली करवा देते हैं, इनसे आपको भी बहुत लॉस होता है। बाद में आपको पता लगता है कि वो जो एक्टिविटी थी वो तो 2,500 में हो रही थी, हमने 7,000 में किया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आप किसी से भी ट्रिप लो, एजेंसी पुरानी है
पुराने लोग हैं तो आप जा सकते हो, अगर ज्यादा उनका पता नहीं चल रहा है मार्केट में, नए लोगों साथ नहीं जाना दो। अगर थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा है तो आप दो, लेकिन जिसका कुछ अता पता नहीं उसके साथ आपको नहीं जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो कुछ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपका। अभी ये भी पता चला, मेरे एक फ्रेंड थे उनसे ये पता लगा कि अभी हाल फिलहाल में घटना हुई है, ऐसे तो और भी घटनाएं हुई हैं, बट उनको जो पता उन्होंने बताया कि एक ड्राइवर था वो आंध्र प्रदेश से, उसने एक टूरिस्ट को रिसीव किया था एयरपोर्ट से और उसने ही बोला कि मैं आपको सारा घुमा दूंगा, आप इतने पर डे बेसिस पे कैब्स मुझे दे देना। आंध्र प्रदेश से जो लोग आए थे उनको एक पश्मीना शॉल खरीदवाया दोस्तों, पश्मीना शॉल खरीदवाया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 25,000 में उसने उस शॉल को खरीदवाया उनको। बाद में गुलमर्ग में उनको पता लगा कि ये शॉल तो यहाँ 7,000 में मिल रहा है गुलमर्ग में। तो उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा, उन्होंने बेइज्जती किया सबके सामने ड्राइवर का, लेकिन उनको पैसे वापस नहीं मिले दोस्तों। तो जो ड्राइवर आपको बार बार पर कहीं रोक रहा है, ज्यादा फोर्स कर रहा है कि आप यहाँ रुको, यहाँ से वो लो, ये लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। कैब रेट्स की जहां तक बात है तो आप 4 से 5 लोगों को कांटेक्ट करो, गूगल सर्च करो श्रीनगर टैक्सी सर्विस, आपको 10 लोग मिल जाएंगे, कांटेक्ट करके पूछो कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है। आपको उसमें ये भी देखना है कि वो जो है ड्राइवर जो है वो सही होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, ट्रैवल एजेंसी जो है पुरानी होनी चाहिए, तभी आपको उसके साथ जाना है। तो जिन लोगों का कॉन्टैक्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, हम उनके साथ ट्रिप्स कर चुके हैं और बहुत लोग भी उनके साथ ट्रिप्स कर चुके हैं, तो वो लोग भरोसेमंद लोग हैं, इसलिए मैं उनका कॉन्टैक्ट आपसे शेयर करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी सब्सक्राइबर वहां ज्यादा पैसा देकर आए, लूटा कर आए दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम यही चाहते कि आप सब अच्छे से घूमो, एंजॉय करो और अच्छी यादें लेकर, ना कि कोई रिग्रेट लेकर वापस अपने घर आओ दोस्तों। इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, अगर आप लोग श्रीनगर में दल लिख शिखारा करने वाले हो, अगर आपका प्लान है, आपकी आइटिनरी में वो है, तो एक मेरा वीडियो है उस पर जरूर देखना। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे वहां पे श्रीनगर में, उस वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था कि दल लेक में जो है कितने पैसे देने होते हैं, कितने घंटे का राइड होता है, उसमें क्या क्या दिखाया जाता है, कौन कौन से पॉइंट्स दिखाया जाता है, वो सारे पॉइंट्स दिखाया जाएगा तभी उतने पैसे आपको देने, नहीं तो आपको उतने पैसे नहीं देने। तो ये सब मैंने उसमें कवर किया था कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कितने पैसे लगेंगे, अगर आप आधे पॉइंट देखते हो तो कितने पैसे लगेंगे, अगर आप पूरा जो है 4 घंटे का करते हो तो आपको कितने पैसे देने होते हैं, और वहां क्या स्कैम चल रहा है, उससे कैसे बचा जाए, वो भी मैंने उसमें शेयर किया था। हालांकि अभी जो स्कैमर्स है वो ठंडे पड़ गए हैं, तो फिर भी अगर आपका आमना सामना होता है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको काफी हेल्प होगा उससे। अभी तक जो भी अपडेट्स थे मैंने आपसे शेयर कर दिया, उम्मीद है आपके ये सब काम आएंगे और आगे मैं और भी अपडेट्स आपको देता रहूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।